हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, विजय सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान के इतिहास का बात तो बात कर रहे थे प्यारे दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अजमेर का चौहान राजवंश के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, और अजमेर के चौहान राजवंश के पश्चात क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों। पहले सपाद लक्ष की बात की, सपाद लक्ष से अजमेर बस गया, अजमेर की राजधानी बन गई। के पश्चात जो हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, रणथंभौर का इतिहास, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? रणथंभौर के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रणथंभौर का चौहान राजवंश कहाँ का भाई? रणथंभौर का जो चौहान राजवंश, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा रणथंभौर दुर्ग है। क्या है? रणथंभौर दुर्ग है। और क्या पढ़ेंगे यहाँ का रणथंभौर का, या फिर बात करें रणथंभौर का चौहान वा राजवंश, कहाँ का? रणथंभौर का चौहान राजवंश, रणथंभौर का चौहान राजवंश क्या पढ़ेंगे भाई? रणथंभौर का चौहान राजवंश, ये जो देख पा रहे हैं, ये जो फोटो दिखाई दे रही है आपको, ये रणथंभौर दुर्ग की फोटो है। और इसी से हम बात करेंगे पर दोस्तों, रणथंभौर का जो निर्माण है लगभग 7वीं 8वीं सदी में हो चुका था वही, ठीक है, और काफी प्राचीन दुर्ग माना जाता है। यहाँ पर कालांतर में 1194 ईस्वी में चौहान शाखा की स्थापना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज प्रथम ने की थी। किसने की थी भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अजमेर के चौहान शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था गोविंदराज प्रथम। वो यहाँ से चलकर आ जाता है और कहाँ आकर बस जाता है भाई? ये रणथंभौर आकर बस जाता है। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर देता है। किसकी स्थापना कर देता है भाई? चौहान वंश की स्थापना कर देता है। कहाँ के? रणथंभौर के। ठीक है, रणथंभौर की चौहान वंश की स्थापना कौन कर देता है? गोविंदराज प्रथम के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, जो जिक्र करने जा रहे हैं रणथंभौर की, यहां से देखेंगे रणथंभौर का चौहान राजवंश, रण थंभौर का चौहान राजवंश, चौहान राजवंश की बात करें तो ये रणथंभौर का चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं। इसके बारे में जिक्र करें तो रणथंभौर जो दुर्ग है वो तो काफी प्राचीन माना जाता है, बहुत भव्य माना जाता है प्यारे दोस्तों। रणथंभौर के, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना, चौहान चौहान वंश की स्थापना स्थापना पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहाँ का? अजमेर का। कहाँ का भी? अजमेर का शासक था तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में की थी, ठीक है। रणथंभौर के चौहान राजवंश की स्थापना कहा जाता है। अजमेर के जो चौहान शासक हुए हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय गोरी से युद्ध में पराजित हो जाता है। पराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मारा जाता है। और विजय पराजित हो जाने के पश्चात मेरे दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि इसका जो बेटा है वो वहां से चलकर कहाँ जाता है? 1194 में, 1192 में पराजित होता है, उसके बाद इधर उधर भटकता है। उसके बाद 1194 में कहाँ आ जाता है? रणथंभौर आ जाता है। रणथंभौर इसको दे दिया जाता है गोरी के द्वारा, ठीक है, रणथंभौर को दे दिया जाता है। और यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है भाई? ये गोविंदराज प्रथम के द्वारा चौहान वंश की स्थापना
यहाँ पर की जाती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र माना जाता है, गोविंदराज यहाँ पर स्थापना कर देता है चौहान वंश की। इसके पश्चात जो शासक बनता है वल्लन देव बनता है, कौन बनता है तो बात करें कौन, वल्लन देव। ये कुछ ज्यादा तो विस्तार कर नहीं पाता रणथंबोर का, कौन गोविंदराज। उसके बाद जो शासक बनता है वल्लन देव बनता है, कौन बनता है वल्लन देव। वल्लन देव शासक बनता है और वल्लन देव शासक बनने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या होता है, इस समय 1226 में इल्तुतमिस ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। जो इल्तुतमिस था गुलाम वंश का, उसके द्वारा 1226 ईस्वी में के ऊपर आक्रमण किया गया था, कौन से दुर्ग के ऊपर, रणथंबोर दुर्ग के ऊपर। इसके बारे में कहा जाता है प्यारे दोस्तों इसका सामना किसने किया था, वल्लन देव। युद्ध का सामना किसने किया था, वल्लन देव ने किया था रणथंबोर दुर्ग का सामना। तो इसके समय गुलाम वंश का, इसके समय इल्तुतमिस मिस 1226 ईस्वी में, 1226 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया था। ये इल्तुतमिस ने इसके ऊपर आक्रमण किया था और इसका सामना किसने किया था, वल्लन देव ने। कहा जाता है कि इसका आक्रमण का सामना वल्लन देव के द्वारा किया गया था, जो 1226 ईस्वी में किया गया। कब किया जाता है भाई, 1226 ईस्वी में यह आक्रमण किया जाता है। इसके पश्चात बात करें तो प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है, वाघभट शासक बनता है, कौन बन जाता है, वाघभट शासक बनता है और वाघभट के समय रणथंबोर पर 1248 ईस्वी में रजिया सुल्तान के द्वारा रणथंबोर पर आक्रमण किया जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद जो शासक बनता है कौन बनता है, वाघभट्ट। यहाँ का जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों वाघभट्ट बनता है और वाघभट्ट के समय की बात करें, वाघभट्ट के समय प्यारे दोस्तों किसने, वाघभट्ट के समय इसके काल में के काल में के काल में रजिया सुल्तान ने इसकी इल्तुतमिस की पुत्री थी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। भाई वाघभट्ट के समय रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिस की पुत्री हुआ करती थी, गुलाम वंश की एकमात्र महिला शासिका बनी थी और रजिया सुल्तान के द्वारा किसके ऊपर आक्रमण किया जाता है, रजिया सुल्तान के द्वारा रणथंबोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया जाता है। जो कहा जाता है प्यारे दोस्तों इसी के साथ ही बात करें, यहाँ पर जो शासक बनता है नेक्स्ट वो बनता है, कौन बन जाता है भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है जैत सिंह, कौन बनता है, जैत सिंह, जो जय सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं, के नाम से जैत्र सिंह इसके बाद शासक बनता है, कौन बनता है, जैत्र सिंह इसके बाद शासक बनता है और जैत सिंह कहा जाता है 32 साल तक शासन करता है, कितने वर्ष तक, 32 वर्ष तक शासन करता है, वर्ष तक शासन करता है, शासन करता है।
इसी के लिए इस कारण अमीर के द्वारा 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, 32 खंभों की छतरी का निर्माण अमीर ने करवाया। किसने करवाया? अमीर देव ने करवाया। अमीर देव चौहान इसका पुत्र था, ठीक है भाई। इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था अमीर देव चौहान। कौन था? अमीर देव चौहान। कौन था भाई यहाँ का? अमीर देव इसका पुत्र था। अमीर देव चौहान इसका पुत्र था। इसका पुत्र होने के साथ साथ प्यारे दोस्तों, अमीर जब शासक बनता है, इसकी मृत्यु के बाद 32 साल के शासन को याद रखने के लिए कहा जाता है कि 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है भाई? अमीर देव चौहान इसके 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है। और बात करें, अब बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों 1282, कब की बात कर रहे हैं? 1282 में यत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1282 में यत्र सिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात यहां पर इसका पुत्र अमीर देव चौहान शासक बनता है। कौन बनता है? अमीर देव चौहान कहाँ का? रणथंभौर का शासक बनता है, जो 1282 से लेकर 1301 तक रहता है। कहाँ तक रहता है भाई? 1301 तक शासन करता है अमीर देव चौहान। 1301 तक शासन करता है। कहा जाता है कि ये रणथंभौर के इतिहास का, या रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्या माना जाता है? सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और सबसे प्रतापी शासक होने के साथ साथ ही प्यारे दोस्तों, इसको कहा जाता है कि ये इतना खतरनाक आदमी था, जिद्दी आदमी था, एक बहुत जिद्दी आदमी था, जो जिसके भेजे में जम जाती थी, अर्थात इसके मस्तिष्क में जो जम जाती थी वो करता ही करता था। ये किसी की भी नहीं सुनता था, इतना जिद्दी और खतरनाक आदमी था। और इतना जिद्दी होने के बावजूद कहा जाता है कि एक बार क्या होता है, इसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े हैं। कितने? इसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े। 17 युद्धों में से 16 युद्धों में विजय श्री को प्राप्त किया। एकमात्र युद्ध जिसमें ये पराजित होता है और वीर गति को प्राप्त होता है, वैसे युद्ध में नहीं हुआ है, इसने स्वतः अपनी गर्दन काट ली थी, ठीक है प्यारे दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि इसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, 17 में से 16 में विजय श्री को प्राप्त किया है। इसने हमीर देव चौहान, और हमीर देव चौहान ऐसा माना जाता है कि बहुत जिद्दी था। इतना जिद्दी होने के बावजूद कहा जाता है एक बार द्वारपालों ने दरवाजे ही शिकार खेलने गया था। कहाँ गया था? शिकार खेलने गया था। और शिकार खेलने जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या होता है कि द्वारपालों ने इसके दरवाजे खोलने में थोड़ी सी देरी कर दी। क्या कर दी? थोड़ी सी देरी कर दी। और देरी कर देने के पश्चात ये अपना घोड़ा सीधा चट्टान पे से चढ़ा, सीधा दुर्ग में चट्टान पे से घोड़ा चढ़ा देता है, जिसके पैर आज भी वहां पर चट्टान पर खुदे हुए दिखाए जाते हैं, जिनके पैरों के निशान आज भी चट्टान के ऊपर दिखाए गए हैं। फिर बाद में उनको पैरों को उकेरा गया, तो हमीर देव चौहान के जो घोड़ा चढ़ा था उसके पैर आज भी उस चट्टान पर दिखाए गए हैं। जो कभी रणथंभौर जाना हो, दुर्ग में जाना हो, तो कभी देखना, वहां पर पैर एक चट्टान के ऊपर घोड़े के पैर बने हुए हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब कंडीशन क्या है कि इसे बहुत जिद्दी था, इस कारण इसके लिए एक लोकोक्ति या दोहा भी प्रचलित है। सिंह सवन सद पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर रट, चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन सदपुरुष वचन, अर्थात सिंह एक अपने जीवन काल में एक ही बार गमन करता है, यानी कि अच्छे पिता करता है, लेकिन अब तो आगे है प्यारे दोस्तों। अब कहा सिंह सिंह सवनक सदपुरुष वचन, और जो भी सदपुरुष होता है, जो सच्चे मन से बोल देता है, जो हमेशा सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोल दे तो वो सत्य होकर ही मानता है। तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार, कदले फले एक बार, ठीक है, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी। केला अपने जीवन काल में एक ही बार फल देता है, और इधर इसके जमगी तो जो हट जमगी, उस तरीके से इसको माना गया है। तिरिया तेल अर्थात स्त्री के जीवन में या महिला के जीवन में एक ही बार विवाह के समय तेल चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद कभी तेल नहीं चढ़ा दे, और तेल चढ़ गया तो उसका विवाह संपन्न करना ही होता है, मान्यता है। अब क्या कंडीशन हो जाती है कि स्त्री इतना खतरनाक आदमी हो जाने के बावजूद भी, ठीक है, इसकी जिद के लिए इतना कहा गया है प्यारे दोस्तों, ये इतना खतरनाक था कि बहुत जिद्दी आदमी था। कौन? हमीर। तो
और हमीर जिद्दी क्या, जिसके नाम के मारे सब आसपास के थर्राते थे, इतना खतरनाक आदमी हुआ है। लेकिन क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो खुदा को मंजूर होता है वही होता है। अब देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी साहित्य के ग्रंथ के इसके नाम से जो साहित्यिक ग्रंथ है, हमीरहट और सृजन चरित्र, जो दो ग्रंथ है ये हमीरहट और सृजन चरित्र, ये जो ग्रंथ माने जाते हैं प्यारे दोस्तों चंद्रशेखर के माने जाते हैं, के माने जाते हैं के बारे में जानकारियां देने वाले ग्रंथ हमीर के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ देने वाले ग्रंथ चंद्रशेखर के दो ग्रंथ हैं, एक तो हमीरहट और सृजन चरित्र, हमीरहट और सृजन चरित्र, सृजन चरित्र इसकी रचना है चंद्रशेखर की, ये भाई चंद्रशेखर की रचना मानी जाती है, चंद्रशेखर की रचना मानी जाती है कौन सी, ये हमीरहट और सृजन चरित्र। इसके पश्चात बात करें हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी की है, हमीर हमीर महाकाव्य किसकी है, नयन चंद्र सूरी की है। हमीर महाकाव्य जो है रचना वो नयनचंद सूरी की मानी जाती है। इसके पश्चात बात करें हमीर रासो, हमीर महाकाव्य के बारे में कहा जाता है हमीर ये नयनचंद सूरी की है। इसके बाद बात करें हमीर रासो, ये है सारंगधर या जोधराज की। हमीर रासो की बात करें हमीर रासो, ये रचना किसकी मानी जाती है प्यारे दोस्तों, ये सारंगधर किसकी मानी जाती है, सारंगधर कौन से बाद में कहा जाता है जोधराज की मानी जाती है। इसका इतिहासकार दोनों मिलते हैं, सारंगधर या जोधराज की ये रचनाएं मानी जाती है। कौन कौन सी, हमीर रासो सारंगधर या जोधराज की कही जाती है। इसी के साथ बात करें हमीर बंधन, हमीर बंधन अमृत कैलाश की है, हमीर हमीर बंधन अमृत कैलाश की है। वही अमृत कैलाश की मानी जाती है। हमीर मदमर्दन इसकी बात करें, हमीर मदमर्दन जो रचना है ये जयसिंह सूरी की है, हमीर मदमर्दन, हमीर मद मर्दन ये किसकी है, जयसिंह सूरी की, जयसिंह सूरी की है। हमीर मदमर्दन किसकी रचना है भाई, जयसिंह सूरी की रचना है। ठीक है, तो ये किसके बारे में जानकारियां देती है, हमीर के बारे में जानकारियां देती है, हमीर के ऊपर लिखे गए ग्रंथ है। हमीर रायण, हमीर रायण एक और देख लेना, हमीर रायण ये भांडव व्यास की है, हमीर रायण भांडव व्यास ये जो रचनाएं हैं अर्थात हमीर के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ है ये प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं प्यारे दोस्तों। और हमीर की जो बात कर रहे हैं हम, हमीर के शासनकाल की बात कर रहे हैं, हमीर के बारे में हमने चर्चाएं की है, हमीर के जो गुरु है पिता तो जेत्र सिंह ऐसे ही, इसके पिता कौन है, पिता जेत्र सिंह, गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु कौन थे, राघव देव, राघव देव कौन थे भाई,
भाई, के गुरु किसको माना जाता है? राघव देव को इसके गुरु माना जाता है। कंडीशन क्या होती है प्यारे साथियों? ठीक है, पत्नी, पत्नी की बात करें, कौन थी? रंगा देवी, रंगा देवी या रंगदेव, रंग देवी पत्नी थी। पुत्री की पुत्री थी देवल दे, देवल दे पुत्री कौन थी? देवल दे इसकी पुत्री थी। चलिएगा, ये बड़ा जिद्दी था ही सही, मैंने बताया आपको। इसने अपने जीवन काल में, अमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, 17 युद्ध लड़े, इसमें से 16 में विजय प्राप्त की। अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिसमें से कहा जाता है 16 में विजय प्राप्त की। और इसके लिए कहा जाता है कि ये शरणागतों की रक्षा खातिर और हमीर हट के लिए जाना जाता था। हमीर शरणागतों की रक्षा वह रणागतों की रक्षा वह हट के लिए जाना जाता था, हट के लिए जाना बहुत जिद्दी था भाई, जिद्दी या हटी, हटी स्वभाव था इसका, बहुत खतरनाक वाला जिद्दी था। हमने बात की थी कि एक बार जब दरवाजे नहीं खोले गए थे या देर होगी तो पहाड़ी से सीधा घोड़ा चढ़ा देता है, जिसके घोड़े के निशान बाद में इसके द्वारा उगराए जाते हैं और वहां पर आज भी देखने को मिलते हैं। कहां पर? रणथंभौर दुर्ग की चट्टान पर, एक चट्टान पर बड़े सारे क्या मिले हैं? ये मिले हैं कि घोड़े के निशान। चलिएगा, हमीर ने सर्वप्रथम, कहा जाता है, भीमरस के शासक अर्जुन देव को पराजित किया था। हमीर ने सर्वप्रथम भीमरस के शासक, भीम रस के शासक अर्जुन देव को पराजित किया था। किया भीमरस के शासक अर्जुन देव को क्या किया जाता है? इसके द्वारा पराजित किया जाता है, अर्जुन को पराजित किया जाता है। मेवाड़ में समर सिंह को हराया था इसने, मेवाड़ के समर सिंह को हराया था, मेवाड़ के समर सिंह को भी पराजित कर दिया था इसने। कितना खतरनाक आदमी रहा होगा भाई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया था, और उस समय यहाँ का शासक अर्जुन देव था। कौन था भाई? अर्जुन देव। मांडलगढ़ भीलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा से कर वसूलना प्रारंभ किया, वसूलना प्रारंभ किया। क्या कर वसूलना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि कर वसूला था इसने भी। और इस समय यहाँ का शासक था अर्जुन देव। शासक कौन था यहाँ का? शासक अर्जुन देव। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये सारे कारनामे किसके? हमीर देव चौहान के माने जाते हैं। और यहाँ के शासक को पराजित करके, कहा जाता है परमार शासक भोज को पराजित किया था इसने। परमार
परमार शासक भोज को पराजित किया था, परमार शासक भोज को पराजित किया, भोज को पराजित किया, परमार शासक भोज को भी पराजित करने का श्रेय इसी को दिया जाता है प्यारे दोस्तों, और इसी के द्वारा इसको पराजित कर दिया जाता है। इसके बात करें हमीर ने पंडित विश्वरूप की देखरेख में कोटिजन्य यज्ञ करवाया था। हमीर ने पंडित विश्व गुरु की देखरेख में विश्व रूप की देखरेख में कोटिजन्य यज्ञ करवाया, कोटिजन्य यज्ञ यज्ञ कोटिजन्य यज्ञ करवाया है, यज्ञ करवाया के द्वारा करवाया गया भी, ये भी हमीर के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना है, सारी चीजें हमीर के बारे में पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये कोटिजन्य यज्ञ प्रकार से बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। हमीर के दरबार में विक्रमादित्य नामक कवि रहा करता था। कौन रहा करता था? विक्रमादित्य नामक कवि रहा करता था। हमीर के दरबार में विक्रमादित्य नामक कवि रहता था। कौन रहता था भाई? विक्रमादित्य नामक कवि रहता करता था। ठीक है, इसके पश्चात बात करें तो इसके विद्रोह की कुछ जो विद्रोह है रणथंबोर पर, कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का रणथंबोर का घेरा, इसकी बात कर रहे हैं हम, जलालुद्दीन खिलजी का रणथंबोर का घेरा। ठीक है, या हमीर व जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, हमीर व जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, हमीर व जलालुद्दीन खिलजी, हमीर व जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है प्यारे दोस्तों 1191 बाढ़ में। कब? 1191 बाढ़ में के आसपास ये शासक बन जाता है। कौन? यहाँ पर कहा जाता है ये घेरा डालने की कोशिश करता है, और घेरा डालने की कोशिश करने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या होता है, कई दिनों तक घेरा डाले रखता है, और घेरा डालने के पश्चात इसको जब सफलता नहीं होगी, किसको सफलता नहीं मिलती भाई, इसको सफलता नहीं मिलती किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। कई दिनों तक यहाँ पर घेरा डालता है, घेरा डालने के पश्चात जहिंद दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। जहिंद दुर्ग पर अधिकार कर लेने के पश्चात ये वापस दिल्ली लौट जाता है। वापस दिल्ली क्यों लौटता है? चलिएगा बात करते हैं। तो कहा जाता है कि यह जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर पर घेरा डाल लेता है। घेरा डालने के पश्चात इसको सफलता नहीं मिलती और जहिंद दुर्ग की ओर से आक्रमण करता है। और जब वापस लौटता है ये कहता है कि ऐसे कई दुर्गों के लिए मैं मेरे मुसलमान सैनिकों का एक बूंद रक्त भी बहाना उचित नहीं समझता। अर्थात ऐसे सैकड़ों दुर्गों के लिए मैं मेरे मुसलमान सैनिकों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अर्थात लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो क्या कह देती है? अंगूर खट्टे हैं। इस प्रकार से बहाना बनाकर कौन? जलालुद्दीन खिलजी वापस लौट जाता है, वापस दिल्ली लौट जाता है, लेकिन इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाता पहले दोस्तों, सफलता नहीं मिलती। ठीक है, तो बात करते हैं 1192 की या 1191 में कहा जाता है
जलालुद्दीन रणथंबोर की घेराबंदी करता है। जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर की घेराबंदी करता है, घेराबंदी कर लेता है, कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती, नहीं मिलती, ठीक है। तो यह वापस दिल्ली, तो यह वापस लौट जाता है, लौट जाता है और कहता है, और कहता है कि ऐसे कई दुर्गों को मैं ऐसे कई दुर्गों को मैं कई दुर्गों को मैं मेरे मुसलमान सैनिकों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, क्या? अर्थात ऐसे सैकड़ों दुर्गों के लिए दुर्गों के लिए मैं मेरे सैनिकों का एक बूंद रक्त बहाना उचित नहीं समझता, एक बूंद रक्त बहाना उचित नहीं समझता। के बारे दोस्तों, ये कहकर वापस कहां लौट जाता है, ये दिल्ली लौट जाता है। और कालांतर में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका दामाद भी था और इसका भतीजा भी लगता था, जो कालांतर में इसकी हत्या कर देता है। हत्या कर देने के पश्चात कौन यहां पर खिलजी वंश का अगला संस्थक जो बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी बन, कौन बन जाता है भाई, अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी बन जाने के पश्चात पर दोस्तों, ये भी रणथंबोर की है, अर्थात इसके पिता के, या इसके जो जलालुद्दीन खिलजी था उसके बदला लेना चाहता, ठीक है, बदला लेना चाहता था। कई सारे जो कारण हो सकते हैं रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करके, एक तो साम्राज्य विस्तार करना, जलालुद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण है प्यारे दोस्तों, साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कहा जाता है कि सामरिक महत्व का दुर्ग था। और तीसरी बात करें, जब सामरिक महत्व का दुर्ग होने के साथ साथ क्या कंडीशन थी, जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग से कर, यानी कि दुर्ग से जीत कर कर वसूलना चाहता था, क्या चाहता था, कर वसूलना चाहता था। और कई सारे अमीर महाकाव्य नेचंद सूरी के अनुसार खिलजी की सेना कहा जाता है कि गुजरात में गई हुई थी, गुजरात लूटने के लिए गई हुई थी, गुजरात को लूटकर जब वापस आई, तो वापस आने के पश्चात कहां पर, सिवाना के आसपास वाले क्षेत्रों में क्या कर रही थी, या जालौर के आसपास वाले क्षेत्र में क्या कर रही थी भाई, अपने धन का बंटवारा कर रही थी। और इसका पता कहा जाता है किसको लग जाता है,
अमीरदेव सॉरी जालोर का शासक था कान्हरदेव चौहान, उसको पढ़ लग जाता है तो वो अपनी सेना से माल लुटवा लेता है। ठीक है, उसी समय जब ये इसके सेनापति थे किसके, इसका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था एक तो उलगू खां और नुसरत खां, दोनों सेनापति आपस में कहा जाता है कि एक तरफ तो ये थे और दूसरी तरफ अफगानी सेना हुआ करती थी, जो कहा जाता है कि मीर मोहम्मद उनके साथ था। कौन था? मीर मोहम्मद उनके साथ था। ठीक है, और मीर मोहम्मद दोनों दोनों सेनाओं के बीच अतार, तो खुद के अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच ही क्या हो जाती, लड़ाई हो जाती, धन को लेकर बंटवारे को लेकर लड़ाई हो जाती। उस बंटवारे को लड़ाई होने के पश्चात कहा जाता है मीर मोहम्मद कहाँ जाता है, हमीर देव चौहान की शरण में आ जाता है। कहाँ जाता है भी? हमीर देव चौहान की शरण में आ जाता है, और हमीर देव चौहान की शरण में आ जाने के पश्चात मोहम्मद शाह था भाई, मीर मोहम्मद शाह कहाँ जाता है, हमीर देव की शरण में आ जाता है। कहाँ जाता है? मोहम्मद शाह हमीर देव की शरण में आ जाता है। मोहम्मद शाह के शरण में आ जाने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी से पुनः मांगता है, लेकिन ये हमीर देव शरणागतों को देने से मना कर देता है। मना कर देने के पश्चात ये युद्ध के लिए धमकी देता है, और युद्ध के लिए धमकी देता है तो कहा जाता है कि युद्ध तैयार हो जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना बेगम के साथ अफेयर चल रहा था। ठीक है, टांका भिड़ गया था, और इसी के चलते हुए इसका पता चल जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये यहां से भाग कर कहां से, दिल्ली से भाग कर कहां आ जाता है, रणथंभौर आ जाता है, और रणथंभौर हमीर की शरण में आ जाता है। चिमना बेगम और मोहम्मद शाह ने मिलकर किसको, अलाउद्दीन खिलजी को मारने का प्लान तैयार किया था, ऐसा मानते हैं कुछ इतिहासकार। लेकिन इस कारण ये वहां से भागकर कहाँ आ जाता है, हमीर की शरण में आ जाता है। ठीक है, और हमीर इसे शरण दे देता है। समीर शरण दे देने के पश्चात प्यारे दोस्तों, तो वापस अलाउद्दीन खिलजी मांगता है, तो मांगने के पश्चात इसे देने से मना कर देता है। कौन? हमीर देव चूह। ये सारे कारणों के बावजूद कहा जाता है कि अब आक्रमण की बात करें तो इस समय जब गुजरात के समय जब आक्रमण करने गुजरात को लूट कर आ रहे थे और धन का बंटवारा कर रहे थे रास्ते में, तो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से ये सारे गए हुए थे। किसी के ओर से? एक तो उलगू खां था, नुसरत खां था, और मंगोल सैनिक ये था मोहम्मद सैनिक, मोहम्मद शाह मंगोल सैनिक हुआ करता था, और एक कामरू और एक बारक। ठीक है, कौन था? कामरू एक बारक, सारे क्या थे भाई, ये सारे मंगोल सैनिक थे। और मंगोल सैनिक होने के पश्चात इनमें एक तो खिलजी के सैनिक और दोनों के बीच में क्या हो जाती, झड़प हो जाती। साथ ही गए थे लूट कर ले भी आए, लेकिन बीच में ही माल को बंटवारे के लेकर हो जाती है माल, पैसा बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, सब माल चाहिए, तो माल देने में थोड़ी आनाकानी की होगी उन्होंने नुसरत खां और उलगू खान, भाई इतना तो माल सेठ जी का जाए, सेठ जी कौन, अलाउद्दीन खिलजी की जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने से पहले ही तो भाई अपना तो हिस्सा बनता है, तो ये इनके समझ में नहीं आए तो ये रूस कर कहाँ चला जाता है। ये दोनों जानकारियां इस प्रकार से मिलती है, और उसके चलते हुए प्यारे दोस्तों क्या होता है, क्या इसके चलते हुए क्या हो जाता है, युद्ध तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जो पहला युद्ध होता है हिंदू वाटिका युद्ध, कौन सा होता है भाई? हिंदू वाटी का युद्ध, हिंदू वाटी का जो युद्ध है ये होता है 1299 में। कब होता है भाई? हिंदू वाटी का युद्ध 1299 में होता है, और 1299 में होने के पश्चात अमीर का सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह, क्या अमीर का सेनापति कौन था यहां पर? हमीर, अमीर अमीर के सेनापति थे, सेना पति कौन थे? धर्म सिंह भीम सिंह, धर्म सिंह और भीम सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के, किसके? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? उलगू खां, दूसरा नुसरत खां। ये इनके बीच में युद्ध होता है, और जहां पर कौन जीतता है यहां पर विजय होती है। किसकी विजय हो जाती है?
यहाँ पर हमीर की विजय होता है। इनको पटक पटक के मारते हैं हमीर की सेना, और कहा जाता है कि यहाँ पर विजय किसकी हो जाती है, यहाँ पर हमीर की विजय हो जाती है, हमीर देव चौहान विजय हो जाता है। विजय हो जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों अब और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अब साम्राज्य विस्तार ये भी करना चाहता है। इसमें हमीर की विजय हो जाने के पश्चात और साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, अब क्या करता है, चलिएगा तो ये हो जाता है यहां पर। उसके पश्चात दूसरी बात करें, क्या कंडीशन होती भाई, दूसरी बात करें तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों हमीर देव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी पुनः आक्रमण करना चाहता है, और करता है कब, 1301 में, कब करता है 1301 में, अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण, तेरह सौ एक में रणथंभौर पर आक्रमण करता है। तब यहाँ का शासक कौन था, हमीर, कौन था भाई, हमीर यहाँ का शासक था, वही शासक कौन था रणथंभौर का, रणथंभौर का शासक है कहाँ का, रणथंभौर, सुनिएगा, वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है, और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आतुर हो ही जाता है, हो क्या जाता है, करने के लिए आ जाता है और घेरा डाल लेता है किसके ऊपर, रणथंभौर दुर्ग के ऊपर। कहा जाता है 7-8 महीने तक ये घेरे डाले रखता है, और जब इसको सफलता नहीं मिलती, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, और हमीर अंदर गेट बंद करके अंदर बैठा हुआ था अपनी सेना के साथ, हमीर कहाँ था, अंदर बैठा हुआ था। जब इसको ये पता चला, क्या पता चला, कि हमीर किसी प्रकार की कोई क्रियाविधि नहीं कर रहा, तो इसने सोचा कि अब कूटनीति का काम किया जाए, क्या किया जाए, कूटनीति से चाल चली जाए। तो कहा जाता है कि इसने अपना एक सैनिक, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सैनिक भेजा, दूत बनाकर भेजा, और दूत बनाकर भेजने के पश्चात क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों, उसने कहा कि अब आक्रमण की कोई जरूरत नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है हमीर से कि आक्रमण की कोई जरूरत नहीं है, हम संधि करना चाहते हैं और संधि करके वापस लौट जाएंगे, क्या करके, संधि करके वापस लौट जाएंगे, जब आप अपने एक सैनिक को भेज दीजिए। हमीर सोचता है कि भाई संधि को राजी है, तो कहा जाता है कि ये हमीर किसको भेज देता है, संधि करने के लिए, किसके लिए भेजता है भाई, संधि के लिए, संधि के लिए रणमल को भेज देता है, किसको, रणमल को भेज देता है, सबसे पहले किसको भेजता है, सर रणमल को भेज देता है, और रणमल को कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी ओर मिला लेता है, यहां पर जाने के पश्चात कूटनीति चाल से अपनी ओर मिला लेता है, और ये रणमल निकम्मा निकला साला, और कहा जाता है कि रणमल क्या सोचने लगा कि तेरे को सवाई माधोपुर की जागीर दी जाएगी, या किसकी, कौन सी, रणथंभौर की जागीर तेरे को दे दी जाएगी, किसकी जागीर दे दी जाएगी, रणथंभौर की जागीर तेरे को दे दी जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी इसको रणथंभौर की जागीर देने का प्रलोभन दे देता है, और प्रलोभन देने के पश्चात कहा जाता है कि ये रणमल पूरे दुर्ग के भेद खोल देता है, क्या खोल देता है, दुर्ग के भेद खोल देता है, और दुर्ग के भेद खोल देने के कारण जब ज्यादा टाइम लग रहा था उधर हमीर देव चौहान ने, ज्यादा टाइम लग रहा था कि अभी तक क्यों नहीं आया रणमल, मार तो नहीं दिया या कुछ ना कुछ कर तो नहीं दिया, ऐसा सोचकर दूसरी गलती और कर बैठी। एक गलती तो ये कि रणमल को भेज दी, दूसरी गलती और कर दी, और दूसरा व्यक्ति रतिपाल को भेज दिया, किसको भेजा, रतिपाल को, किसको भेजा भाई, रतिपाल को दूसरी बार भेज दिया, दूसरा व्यक्ति रतिपाल भेज दिया, इसको तो रणथंभौर की जाकरी, कौन सी, रणथंभौर का राजा बनाया जाएगा तेरे को, किस, कौन सा, रणथंभौर का राजा बनाया जाएगा, और इसे बूंदी की जागीर देने का प्रलोभन लिया, इसका रतिपाल को कहा जाता है, दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ये प्रलोभन, इसको बूंदी की जागीर देने का, इसे रणथंभौर की जागीर देने का प्रलोभन दे देता है, और प्रलोभन दे देने के पश्चात ये दोनों व्यक्ति
कहा जाता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो भोजन सामग्री है, किसमें भोजन सामग्री में, भोजन सामग्री में हड्डियों का चूरा मिला देता है, क्या मिला देते हैं, हड्डियों का चूरा मिला दिया जाता है, चूरा मिला दिया जाता है, हड्डियों का चूरा मिला दिया जाता है। और हड्डियों का चूरा मिला देने के पश्चात प्यारे दोस्तों, और जो जल स्रोत थे उसमें गायों का रक्त मिला दिया जाता है, और ऐसा करने के पश्चात यहाँ की जनता भूखा मरने लगती है। कहाँ की जनता, रणथंभौर दुर्ग की जनता। ये दोनों विश्वासघाती के कारण ये कहा जाता है कि अंत में क्या होता है, मीर देव के नेतृत्व में यहाँ के लोग, यहाँ के सैनिक केसरिया धारण करते हैं, क्या करते हैं, केसरिया धारण करते हैं। केसरिया धारण करने के पश्चात भयंकर युद्ध होता है, दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और दुर्ग के दरवाजे खोल देने के पश्चात हमीर से रणथंभौर का ये भयंकर युद्ध होता है। भयंकर युद्ध होने के पश्चात प्यारे दोस्तों, जिस गुप्त मार्ग से कोई प्रकार का युद्ध नहीं होना था, उस गुप्त मार्ग से अंत में युद्ध हो जाता है। युद्ध हो जाने के पश्चात कहा जाता है कि ये जो मुगल की सेना, सॉरी खिलजी की सेना थी, तो उसको हमीर की सेना को चारों ओर से घेर कर मार देती है, मारती है, और मार देने के पश्चात कहा जाता है हमीर देव के पास ऐसी सूचना पहुंचती है, हमीर देव बच गया था, नहीं मरा था, अर्थात हमीर देव इस युद्ध को जीतना भी जीतने जीतने की अवस्था में भी चला गया था एक ओर तो, लेकिन कहा जाता है इसको गलत सूचना मिल गई कि आपकी पत्नी रंगा देवी ने आपकी मृत्यु का समाचार सुनकर क्या कर ली, आत्महत्या यानी कि जोहर कर लिया, इस कारण फिर अपने आप को ये सुरक्षित नहीं समझता। जब पत्नी नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, तो कहा जाता है कि प्यारे दोस्तों ये शिव के सामने जाता है, और शिव के सामने जाने के पश्चात मंदिर में जाता है, नीलकंठ महादेव मंदिर में, और वहां पर क्या करता है, अपनी तलवार से अपनी स्वयं की गर्दन को उतार देता है। कौन, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान इस प्रकार से कहा जाता है कि रणथंभौर के युद्ध में ये पराजित होता है। पराजित क्या होता है, एक तरीके से स्वयं ने अपने हाथ से खुद की गर्दन उतार दी। एक तरफ तो ये विजय होने वाला था, लेकिन अंत में जो है गुप्त मार्ग की ओर से, गुप्त मार्ग की ओर से आक्रमण कर दिया जाता है। इससे कहा जाता है कि इसकी सेना टूट जाती है। टूट जाने के बाद ये अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में विजय हो जाता है, और हमीर वीरगति को प्राप्त होता है, वीरगति को प्राप्त होता है। प्यारे दोस्तों, ये इस दुर्ग का प्रथम शाखा या राजस्थान का पहला शाखा कहलाता, क्या कहलाता है, 1303 का इस दुर्ग का प्रथम शाखा, या पूरे राजस्थान का, पूरे राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है 1301 का, ठीक है। और यहां पर जो जोहर किया गया था, केसरिया तो हमीर देव चौहान के द्वारा किया गया, लेकिन जो जोहर किया गया था वो हमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में किया गया, या रंगदेवी के नेतृत्व में किया गया। यहां से हमें जल जोहर के प्रमाण भी मिलते हैं, जो हमीर की पुत्री किसके नेतृत्व में किया जाता है, देवलते के नेतृत्व में किया। यहां से हमें किसकी जानकारी मिलती है, जल जोहर की जानकारी भी मिलती है, जो हमीर की पुत्री कौन, देवलते के नेतृत्व में किया जाता है। तो ये विशेष रूप से अब किसका अधिकार हो जाता है, यहां पर 11 जुलाई 1301 को यह आक्रमण किया जाता है, ठीक है, 11 जुलाई 1301 को। ग्यारह जुलाई 1301 को इसमें इस युद्ध में केसरिया हमीर ने किया, और जोहर हमीर की पत्नी, हमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में किया गया, देवी के नेतृत्व में किया। यहां से जल जोहर हमीर की पुत्री, हमीर की पुत्री देवल दे के नेतृत्व में किया, देवल दे के नेतृत्व में किया। जल जोहर हमीर की पुत्री देवल दे के नेतृत्व में किया इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का
अधिकार हो जाता है, क्या अधिकार हो गया इस दुर्ग पर, किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। क्या चलेगा, इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। इस दुर्ग की घेराबंदी के समय, इस दुर्ग की घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा जाता है, नुसरत खां मारा गया था, सेनापति था भाई अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नुसरत खां, मारा गया था, ठीक है, नुसरत खां मारा गया था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इस दुर्ग में विजय प्राप्त करने के बाद अमीर खुसरो ने कहा था, अमीर खुसरो ने, खुसरो ने कहा था कि आज, कहा था कि आज उप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, इस्लाम का घर हो गया है। ये किसने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था, इस दुर्ग पर अधिकार कर लेने के पश्चात कहा जाता है अमीर खुसरो ने ऐसा कहा था। चलेगा, इसके पश्चात बात करते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट। इस दुर्ग पर अधिकार होने के बाद पर उलगू खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया नियुक्त किया भाई उलगू खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है, कहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, किस दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का। अब रणथंभौर दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाने के पश्चात क्या होता है, ये बारे दोस्तों किस प्रकार से इसकी पूरी कहानी थी वो आपने सुन ली। तो हमीर देव की कैसे मृत्यु होती है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमीर देव भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में अपना शीस चढ़ा देते हैं अर्थात खुद काट लेते हैं, अपनी तलवार से खुद काट लेते हैं कि इसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं भगवान शिव को खुद समर्पित हो जाऊं, ठीक है। 1301 ईस्वी का राजस्थान का प्रथम शाखा है, ये क्या कहलाता है, राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है, प्रथम शाखा कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो है रणथंभौर का, सॉरी ये तो प्रथम रणथंभौर का जो शाखा हुआ ये तो प्रथम शाखा कहलाता है, राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है, जबकि दूसरा शाखा है वो राव रतन सिंह के टाइम पर किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, पद्मिनी ने जौहर किया था, वो दूसरा शाखा 1303 का कहलाता है, ठीक है भाई दोस्तों। तो ये प्रथम शाखा कहलाता है जहां पर जौहर किसने किया, शाखा किसने किया, तो केसरिया यानी कि शाखे का मतलब क्या है, केसरिया और जौहर अर्थात युद्ध में सैनिक के रूप में तैयार होकर जाना क्या कहलाता है, और युद्ध में लड़ना कूद कहलाता है केसरिया, ठीक है। युद्ध में जाने के बाद वहां पर वीरगति को प्राप्त हो जाए और उसके बाद उसकी पत्नी अग्नि में समर्पित हो जाती है, ठीक है, तो वो कहलाता है जौहर। और दोनों जौहर और शाखा, केसरिया और शाखा को मिलाकर पूरे को कहा जाता है, क्या, केसरिया और जौहर को मिलाकर पूरा कहा जाता है, एक शाखा, क्या कहा जाता है भाई, एक शाखा कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये राजस्थान का शाखा
यह प्रथम शाखा कहलाता है और ये रणथंभौर का इतिहास था। प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।